भारी आर्थिक संकट से जूझ रही फाइनेंस सेक्टर की एक बड़ी कंपनी IL&FS ने अपने लगभग 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का फैसला किया है। कंपनी पर इस वक्त करीब 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और वो इस कर्ज की रकम का ब्याज भी नहीं चुका पा रही है। ये संकट इतना बड़ा है कि साल 2008 से भी बड़ी आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। गो न्यूज ने इस कंपनी के आर्थिक संकट के कारणों का पता लगाया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। एक महीने पहले तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आंखों का तारा रही भारत की बड़ी फाइनेंस कंपनी IL&FS गहरे आर्थिक संकट में है। संकट इस कदर गहरा है कि कर्ज चुकाना तो बहुत दूर, कंपनी के पास कर्ज का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। कंपनी 91,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी है। जानकारों के मुताबिक ये अकेले एक कंपनी पर आया संकट नहीं है। IL&FS का ये संकट भारत के पूरे बाजार को ही डुबो सकता है और ये संकट 2008 की आर्थिक मंदी से भी बड़ा संकट हो सकता है। हालांकि फौरी तौर पर इस संकट को टालने के लिए कंपनी की AGM ने 12 से 16,000 करोड़ की संपत्ति बेचने का फैसला किया है, लेकिन इससे इस संकट के हल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। To sell assets which we have built over the last few decades in order to ensure that the value can be upstreamed and used to repay our creditors. And number three, to be able to get a liquidity line of credit to support our repayments of our debtors till our asset sale cycles begin. उधर शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो डिप्टी गवर्नर्स NS विश्वनाथन और MK जैन ने IL&FS के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स LIC और ओरिक्स कॉरपोरेशन जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रिजर्व बैंक ने दोनों शेयर होल्डर्स से कंपनी को चारों खाने चित होने से बचाने के उपाय करने को कहा। उधर खबर है कि LIC IL&FS में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकती है। जो सूचना कंपनी ने उपलब्ध कराई है उसके मुताबिक IL&FS में सबसे ज्यादा 25.34% हिस्सेदारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC की है। उसके बाद जापान की ओरिक्स कॉरपोरेशन की 23.54%, IL&FS एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट की 12%, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की 12.56%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9.02%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 7.67%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 6.42% हिस्सेदारी है। कंपनी का यह संकट तब सामने आया जब पिछले महीने की 27 तारीख को कंपनी एक छोटी अवधि के कर्ज का ब्याज चुकाने में नाकाम रही। तब से लेकर अब तक एक महीने में ही ऐसा 9 बार हो चुका है। इस कंपनी के बैठने का असर तमाम दूसरी कंपनियों पर पड़ सकता है जिनमें IL&FS ने निवेश किया हुआ है। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।